कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के मुख्य आतिथ्य में लाहौर के मंगलम गार्डन में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक मंडलम स्तर पर 138वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं के योगदान के लिए उन्हें बधाई दी गई। देश की आज़ादी में जिस पार्टी के तमाम लोग अपना खून पसीना बहाकर शहीद हुए और देश में आज़ादी स्थापित की, उन सबको याद किया गया और महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में समस्त जिला ब्लॉक और सेक्टर मंडल की बैठकों हुई। इसमें 138वें स्थापना दिवस के लिए कार्यकर्ताओं के योगदान के लिए उनको धन्यवाद बधाई दी गई। देश की आज़ादी में जिस पार्टी ने अपने खून पसीना बहाकर तमाम लोग शहीद हुए और देश में आज़ादी स्थापित की, उनको सबको याद किया। महात्मा गांधी जी को चित्र को पुष्पांजलि दी। आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस था। इसमें हमारे नेता मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी उपस्थित हुए और हम लोगों ने पूरे हर्षोल्लास से कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया।